तो आप लोगों ने यूरो ट्रिप मूवी का ये वाला सीन जरूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने ब्रातिस्लावा को पूरे यूरोप की सबसे चीपेस्ट सिटी पोर्ट्रेट किया था। बट इज ब्रातिस्लावा रियली द चीपेस्ट सिटी इन यूरोप? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। What's up guys and welcome back to another vlog। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि कल हम एक जू कैफ़े में गए थे, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप कॉफ़ी वगैरह थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह इन्जॉय कर सकते हो। एंड उन्होंने पूरा ऐसे जू एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, सारे बिल्लियाँ रैबिट वगैरह पाले हुए हैं वहीं कैफ़े में। बट कल हमें रिजर्वेशन नहीं मिली थी क्योंकि उसके लिए आपको एक दिन पहले रिजर्वेशन करनी थी, तो हम कल सिर्फ वैसे ही देख के आ गए थे। एंड आज हम जा रहे हैं अभी कॉफ़ी पीने वहाँ पर, बट ब्रेकफास्ट हम कहीं और करेंगे क्योंकि कुछ खास था नहीं वहाँ पर मेन्यू में खाने के लिए। तो वह वहाँ जाके कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं थोड़े बहुत एनिमल्स के साथ, और उसके बाद फिर हमें वापस पोलैंड की तरफ निकलना है। आज वेदर बहुत ही प्यारा है, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। आज हमारा लास्ट डे है, तीन दिन बिल्कुल क्लाउडी था, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। एंड मुझे क्लाउडी वेदर बिल्कुल पसंद नहीं है। आई थिंक सिटी बहुत ज़्यादा और ब्यूटीफुल लगती है जब सनी वेदर होता है, सब कुछ इतना ज़्यादा वाइब्रेंट लगता है। तो अब पूरी सिटी ढंग से एक्सप्लोर करने के बाद मैं विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि बुदापेस्ट आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप यूरोप की ट्रिप प्लान कर रहे हो। Do you think it's one of the most beautiful cities? Yeah? I think so. Excited to drink coffee with the bunny? Yes. And with the snake. Oh my god, yeah. Unhone snake tak pale hue hain us zoo cafe mein. Yeah, you do. Who's a good? This must be the biggest cat I have ever seen. It's not a cat, it's like a lion. And look at that one. He's looking at us. आप बिल्लियों का साइज देखो, इतनी बड़ी बिल्लियाँ मैंने अपनी जिंदगी में देखी। एंड यहाँ पर है टर्टल, एंड इन्होंने रैबिट भी पाले हुए हैं, एंड थोड़ी बहुत बर्ड्स। आई थिंक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कभी नहीं देखा कि बिल्लियाँ वगैरह बस घूम रही हैं, किसी को कुछ नहीं कह रही, आराम से बैठी हुई हैं टेबलों पर, और आप अपना कॉफ़ी वगैरह खाना वगैरह इन्जॉय करो। Take it. Hold it, Veronica. Oh, mama. This is cool. Just enjoying your coffee and you have a snake on your table. Put it around your neck. पहले तो हमारा प्लान था वहीं बुदापेस्ट में ब्रेकफास्ट करने का, बट यहाँ पर हमारा कोई खास एक्सपीरियंस रहा नहीं, इसलिए हमने डिसाइड किया ब्रातिस्लावा जाने का। बुदापेस्ट से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव है ब्रातिस्लावा की, एंड मैं ब्रातिस्लावा पर्सनली कभी गया भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने ब्रातिस्लावा भी घूम लेंगे। एंड आपको भी ब्रातिस्लावा का सेंटर दिखाता हूँ। अराउंड 1.5 घंटे की और ड्राइव रहती है। एंड अगर आपको नहीं पता तो ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की कैपिटल है, एंड पोलैंड से बॉर्डर शेयर करता है स्लोवाकिया, तो मैं आपको आई थिंक काफ़ी सिमिलर होगा पोलैंड के, बट मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ। यहाँ यूरोप में 2 ऑप्शन होते हैं मोस्टली, 95 एंड 100। 100 मोस्टली सुपर कार्स के लिए होता है, तो मैं 95 डलवाता हूँ।
सो ये है ब्रातिस्लावा का सेंटर एंड जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं वो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल स्लोवाक रेस्टोरेंट है. मैंने कभी स्लोवाक क्यूजीन ट्राई नहीं किया है बट आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू हंगेरियन एंड पोलिश क्यूजीन, क्योंकि जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न, इनका क्यूजीन काफ़ी सिमिलर है. ये बेसिकली वही चीज़ें खाते हैं, पोटैटोज़, श्निट्ज़ल, चिकन. तो देखते हैं कि कैसा खाना है, क्योंकि अभी तक बुदापेस्ट में हमें कोई बहुत बढ़िया खाना नहीं मिला, तो स्लोवाक खाना देखते हैं कैसा होता है. But everything looks so good. I was really looking forward to it, but everything looks so good. This is potato gnocchi? Yes, with poppy seeds. Those are Pierogi. Polish momos. These are not Polish or momos. Slovakian momos. So sheep leg. Lamb. Lamb. Yeah, lamb. I think sheep. Sheep? Sheep leg. Sheep? Yeah, we call sheep. It mutton. Isn't mutton we, sheep? Yes, and we eat a lot of mutton in India. Nice. And this is my schnitzel with potatoes. I'm really curious about those. Nice? Nice. आई थिंक ये हमारी पूरी ट्रिप का सबसे टेस्टी खाना था. बुदापेस्ट में हमें कहीं भी इतना अच्छा खाना नहीं मिला. Veronica, do you think this was the best food we had on this trip? 100%. Yeah? What do you guys think? What was the best food we had on this trip? Bratislava. Bratislava. And then India. I don't know. I like the Indian. Indian, right? Indian was also very good. I think I would say the Indian was the best one. Yeah? Yeah. काफी ज़्यादा similar है city, जितनी भी Polish cities हैं. It looks very similar to Poland. Probably it's very nice actually. I wasn't expecting much. Yeah, but it's very nice. क्योंकि अगर आपने यूरो ट्रिप देखी है तो उसमें पता नहीं स्लोवाकिया को कैसे पोर्ट्रे किया था कि बहुत ही गरीब कंट्री है, बट असली में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है. काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, सबका सिटी सेंटर ऐसा ही होता है. ऑलमोस्ट वही सेम आर्किटेक्चर, स्टैचूज, मोन्यूमेंट्स यूरोप की, क्योंकि वैसे भी सिमिलर हिस्ट्री है. एंड पहले चेक और स्लोवाकिया एक ही कंट्री होती थी, तो चेक से तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. सो इफ यू गाइस वॉच यूरो ट्रिप, इट डजंट लुक लाइक दैट. इट डजंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोलैंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्लोवाकिया. वी पेड 50 यूरोस फॉर द लंच फॉर फोर ऑफ अस. यस. एंड यहाँ पे यूरो ही चलता है स्लोवाकिया में. पहले इनकी खुद की करेंसी थी, बट आई थिंक 10-15 साल पहले इन्होंने यूरो ही एक्सेप्ट कर लिया था. सेंटर में ये एक रैंडम स्ट्रीट इन्होंने हेलोवीन के लिए डेकोरेट करी हुई है पूरी, जबकि यूरोप में इतना कोई खास मनाते नहीं है हेलोवीन, इट्स एन अमेरिकन फेस्टिवल, बट फिर भी थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन कर देते हैं सेंटर एरिया में. हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है ब्रातिस्लावा एक्सप्लोर करने के लिए, इसीलिए हम डायरेक्टली सेंटर आ गए थे ताकि एक दो घंटा बस यहीं पर एक्सप्लोर कर सकें. एंड उसके बाद वापस पोलैंड जाना है, क्योंकि यहाँ से भी अभी 5 घंटे की ड्राइव है. इसी टाइप का शो चल रहा था पीछे, मार्चिंग टाइप आई थिंक फिर से हो रहा है. सेंटर पे कुछ ना कुछ होते ही रहता है यूरोपियन कंट्रीज़ के, बहुत ही लाइवली माहौल है, सब कुछ बैक टू नॉर्मल है यहाँ स्लोवाकिया में भी. आपको मास्क नहीं पहनने, चाहे आप बाहर हो या फिर अंदर. नाउ वी आर गोइंग बैक, या बैक टू पोलैंड. फाइव मोर आवर्स. फाइव? या लेट्स गो देन. लेट्स गो. अराउंड 7.5-8 घंटे की ड्राइव के बाद वी आर फाइनली बैक इन पोलैंड. बिल्कुल अभी अभी हमने बाशन जेफ्री को ड्रॉप किया है. बहुत ही फन वीकेंड था, काफ़ी मज़ा आया बुदापेस्ट में. आगे अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे यूरोप के, तो स्टे ट्यून्ड. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग.